देश में आज से 5G मोबाइल सर्विस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और पहले चरण में 13 शहरों में 5G सेवा शुरू की। जल्द ही इसका विस्तार देश भर में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और पहले चरण में 13 शहरों में 5G सेवा शुरू की। ये 13 शहर हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, दिल्ली और मुंबई। इस मौके पर रिलायंस, एयरटेल समेत टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज मौजूद रहे। इसके साथ ही भारत उन 70 देशों में शामिल हो गया है जहां 5G मोबाइल सर्विस है। इसका सबसे बड़ा फायदा इंटरनेट स्पीड को लेकर होगा। न केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी बल्कि कवरेज, बैंडविड्थ के साथ ही डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी बढ़ जाएगी। एजुकेशन से लेकर हेल्थ, बिजनेस, कृषि समेत तमाम सेक्टर में इसका फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMC 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने जियो पवेलियन में प्रदर्शित 5G उपकरणों को देखा और जियो ग्लास को खुद पहनकर उसका अनुभव किया। उन्होंने युवा जियो इंजीनियरों की एक टीम द्वारा एंड टू एंड 5G तकनीक के स्वदेशी विकास को भी समझा। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी मौजूद रहे। भारत में अब तक 4G इंटरनेट सेवाएं थी। 5G लॉन्चिंग के साथ ही भारत कोरिया, जापान, UK, अमेरिका जैसे देशों में शामिल हो गया। भारत ने 5 साल पहले इस दिशा में कदम रखा था। रिलायंस जियो ने इस साल की 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 88,000 करोड़ रुपए की सबसे अधिक की बोली लगाई है। कंपनी ने अगस्त में कहा था कि वह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे मेट्रो शहरों में दिवाली तक अपने 5G नेटवर्क पर हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू कर देगा। 5G सेवा चालू होने से न केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी बल्कि इसके कई अन्य बड़े फायदे भी होंगे। नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे। 5G पर इंटरनेट की गति 4G के 100 Mbps की तुलना में 10 Gbps होगी। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।